हेलो गाइस, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू उड़ान में। आज हम लोग बहुत ही करंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है। ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट का मतलब क्या है, इसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, एमपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट टू इम्प्लीमेंट द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, शॉर्ट में से केबीएलपी बोलते हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश मिस्टर शिवराज सिंह चौहान एंड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट टू इम्प्लीमेंट द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट केबीएलपी, द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ द नेशनल परस्पेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। ठीक है, द टू स्टेट्स साइंड अ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट विद द सेंटर ऑन वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च टू फाइनली इम्प्लीमेंट दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट। ये आपको याद करना भी आसान है, जो ये एग्रीमेंट हुआ किस डेट को हुआ, 22 मार्च को हुआ, जिस दिन हम लोग वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, केन बेतवा रिवर्स ओरिजिनेट इन एमपी एंड आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। केन और बेतवा जो दोनों रिवर हैं, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, जो केन रिवर है ये ओरिजिनेट होती है अहिर गांव इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। ठीक है, जो एमपी के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक अहिर गांव जगह है, वहां से ओरिजिनेट होती है। और बेतवा रिवर जो है ये विंध्य रेंज जो है एमपी में, वहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और जो ट्रिब्यूटरी किसकी है, यमुना की। तो यमुना का ओरिजिन पॉइंट जो है यमुनोत्री ग्लेशियर में एक बंदरपुच पीक है लोअर हिमालय की उत्तराखंड में, वहां से ओरिजिनेट होती है। केन मीट्स विद यमुना इन बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ये क्वेश्चन पूछते हैं केन कहाँ मिलती है यमुना से, तो ये बांदा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है जो कि यूपी में है, एंड विद बेतवा इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ठीक है, और बेतवा से मिलती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। राजघाट परीक्षा एंड माता टीला डैम्स आर ओवर बेतवा रिवर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये स्पेशली परीक्षा और माता टीला बांध दोनों पूछे जाते हैं कहाँ पर है, तो बेतवा रिवर पे है। ठीक है, केन रिवर पासिस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व। इसमें भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया, पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये एमपी में है। ठीक है, ये देखिए यमुना रिवर है, इसकी दो ट्रिब्यूटरी है केन एंड दूसरी जो है ये बेतवा। ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये जो है कैनाल बन रही है। इसी टॉपिक पे हमको डिस्कशन करना है। ठीक है, की पॉइंट्स देखते हैं, की पॉइंट्स ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। फर्स्ट पॉइंट इज द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज द रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट that aims to transfer surplus water from Ken River in MP to Betwa in UP to irrigate the drought prone Bundelkhand region। जैसा कि हम सबको पता बुंदेलखंड रीजन में है जो अधिकतर सूखा पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर जो है सिंचाई के साधन नहीं है, इसलिए जो ये डैम जो कैनाल बनाई जा रही है ताकि केन रिवर का पानी जो है बेतवा में आ सके और जो बुंदेलखंड रीजन जो ड्रॉट प्रोन एरिया है वहां अच्छे से खेती की जा सके। ठीक है, द रीजन इज स्प्रेड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ टू स्टेट्स मेनली झांसी बांदा ललितपुर एंड महोबा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी एंड टीकमगढ़ पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व बिल्डिंग अ 77 मीटर टॉल एंड अ 2 किलोमीटर वाइड दौधन डैम एंड 230 किलोमीटर कैनाल। केन बेतवा इज वन ऑफ द 30 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कंसीव्ड अक्रॉस द कंट्री। द प्रोजेक्ट हैज बीन डिलेड ड्यू टू पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट लाइज इन बुंदेलखंड, अ ड्रॉट प्रोन रीजन विच स्ट्रेट्स अक्रॉस 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी एंड एमपी। ठीक है, इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स यूपी के हैं और 6 डिस्ट्रिक्ट एमपी के हैं। अकॉर्डिंग टू जल शक्ति मिनिस्ट्री द प्रोजेक्ट विल बी ऑफ इमेंस बेनिफिट टू द वॉटर स्टार्व्ड रीजन ऑफ बुंदेलखंड, स्पेशली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ
पन्ना, जैसे यहाँ पे आप मैप में देख रहे हैं एमपी में, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी एंड रायसेन ऑफ मध्य प्रदेश एंड बांदा, महोबा, झांसी एंड ललितपुर ऑफ उत्तर प्रदेश। जैसे ये रायसेन है मध्य प्रदेश में, विदिशा मध्य प्रदेश में, सागर, दमोह, छतरपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ललितपुर है, ये जो है शिवपुरी है मध्य प्रदेश का, ठीक है, दतिया, झांसी, बांदा उत्तर प्रदेश का, ठीक है, ये सारे जो है आप मैप में देख रहे हैं। एक बार आप लोग मैप में फिर से देख सकते हैं, ये यमुना रिवर है, ठीक है, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी जो है केन है और दूसरी जो है ये बेतवा है। केन से बेतवा को लिंक किया जा रहा है थ्रू केनाल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसिंग ड्रॉट। रिवर लिंकिंग विल बी अ सॉल्यूशन टू रिकरिंग ड्रॉट्स इन बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। बुंदेलखंड में प्रॉपर वाटर सप्लाई ना होने की वजह से हर साल जो है ड्रॉट की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से फसल का बहुत नुकसान होता है। तो ये इंटरलिंकिंग रिवर की वजह से ये आराम होगी कि केन का जो पानी है, सरप्लस वाटर है, वो बेतवा रिवर को मिलेगा और वाटर ड्रॉट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं फार्मर्स बेनिफिट, कि फार्मर्स को क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। इट विल कर्व द रेट ऑफ फार्मर सुसाइड एंड विल एंश्योर देम स्टेबल लाइवलीहुड बाई प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल मीन्स ऑफ इरीगेशन एंड रिड्यूसिंग एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑफ ग्राउंड वाटर। ओके, ये क्या करेगा, जो फार्मर्स आए दिन सुसाइड करते रहते हैं बेचारे, केसेस न्यूज में हम देखते हैं, तो उनका मेन कॉज यही होता है कि उनको अपनी खेती में बहुत नुकसान होता है प्रॉपर वाटर सप्लाई ना होने की वजह से। और भी बहुत से रीजंस हैं, बट उसमें मेन जो है वाटर सप्लाई ना होना है। तो ये इंटरलिंकिंग से ये जो आराम रहेगी कि फार्मर्स को आसानी से वाटर सप्लाई होगी, तो उनको जो ग्राउंड वाटर डिपेंडेंसी है, ट्यूबवेल वगैरह जो बनाने पड़ते हैं, वेल से लेना पड़ता है, तो उससे उनको लेना नहीं पड़ेगा, उनको पानी जो है इजीली प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। इट विल नॉट ओनली एक्सेलरेट द वाटर कंजर्वेशन बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मल्टीपर्पज डैम, बट विल ऑल्सो प्रोड्यूस 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर एंड विल सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू 60 लाख पीपुल। बहुत बड़ा टारगेट है ये, कि इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी हेल्प मिलेगी और जो है ड्रिंकिंग वाटर भी लोगों को इजिली अवेलेबल होगा। बहुत बड़ी संख्या है ये, 62 लाख, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रिजुविनेट बायोडाइवर्सिटी। फ्यू आर ऑफ द व्यू डैट इंट्रोडक्शन ऑफ डैम्स इन साइड द वॉटर स्केर्स रीजन ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व विल रिजुविनेट द फॉरेस्ट ऑफ द रिजर्व डैट इन टर्न विल पेव द वे फॉर रिच बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन। ओके, बून फॉर 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बुंदेलखंड रीजन। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, टू बेनिफिट वॉटर स्टाफ बुंदेलखंड रीजन ऑफ यूपी एंड एमपी। ओके, डिस्ट्रिक्ट्स टू बी कवर्ड इन एमपी, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दामोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी एंड रायसेन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स टू बी कवर्ड इन यूपी, बांदा, महोबा, झांसी एंड ललितपुर, ठीक है। अब जो ये देखते हैं केन बेतवा लिंक कैनाल है, इसकी लंबाई देखते हैं 221 किलोमीटर है, ठीक है, इसमें जो इंक्लूडिंग 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल। और इसमें ये देखते हैं टोटल कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट में 37,611 करोड़, ठीक है। बाकी कंपोनेंट क्या क्या है इस प्रोजेक्ट के, दौधन डैम है, लोवर और डैम है, कोठा बैरेज है, बिना कॉम्प्लेक्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ठीक है। प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड एन एनुअल इरिगेशन ऑफ 10.6 लाख हेक्टेयर, इतने लार्ज एरिया को इरिगेशन प्रोवाइड होगा इस प्रोजेक्ट से, ठीक है, 10.6 लाख हेक्टेयर। ये सब एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूछ लेते हैं कितनी एरिया को इरिगेशन में हेल्प मिलेगी, तो 10.6 लाख हेक्टेयर। इट विल प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 62 लाख। ओके,
आप देखते हैं वाटर शेयरिंग बिटवीन एमपी एंड यूपी, क्योंकि इसमें दोनों स्टेट्स को बेनिफिट होना है, तो किसको कितना बेनिफिट होगा। एमपी को इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि केन रिवर जो है एमपी से ओरिजिन होती है। तो एमपी टू यूटिलाइज 235 MCM, एमसीएम का मतलब इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे मिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है, मतलब 2350 MCM जो है एमपी यूटिलाइज करेगा। यूपी देखते हैं कितना करेगा, यूपी 1700 MCM यूटिलाइज करेगा, ठीक है। अब देखते हैं पावर जनरेशन जो होगा कितना होगा, इसमें दो तरह की पावर जनरेशन होगा, हाइड्रो पावर एंड सोलर पावर। हाइड्रो पावर का जनरेशन 103 MW होगा और सोलर पावर जनरेशन 27 MW होगा, ठीक है। अब इसमें जो दौधन डैम है, तो इसमें पानी जो स्टोर किया जाएगा, जो नॉन मॉनसून पीरियड होगा तब ये इस डैम से पानी रिलीज होगा, तो एमपी को वो पानी मिलेगा 1834 MCM और यूपी को मिलेगा 750 MCM। ये सब जो है फिगर अच्छे से लर्न करिएगा, एग्जाम्स में यही पूछते हैं, ठीक है। आप देखते हैं क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट से। फर्स्ट इश्यू एनवायरमेंटल, बिकॉज ऑफ सर्टेन एनवायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कंसर्न्स लाइक पासिंग ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, द प्रोजेक्ट इज स्टक इन फॉर द अप्रूवल फ्रॉम द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दैट इज NGT एंड अदर हायर अथॉरिटीज। ओके, नियरली 8,650 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ पन्ना नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश विल बी सबमर्ज्ड इफ द प्रोजेक्ट वर टू बिकम अ रियलिटी। ओके, इतना बड़ा एरिया जो है मध्य प्रदेश में जो पन्ना नेशनल पार्क है वो सबमर्ज हो जाएगा, ठीक है, तो इससे बहुत नुकसान होगा। इट विल ऑल्सो हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द रीजन। सेकेंड देखते हैं इकोनॉमिक, देयर इज अ ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट अटैच विद द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस विच हैज बीन राइजिंग ड्यू टू डिलेज इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इसका बजट बहुत ज्यादा है, हम अभी पढ़ चुके हैं, इस वजह से भी इस प्रोजेक्ट के जो इम्प्लीमेंटेशन में इतना डिले हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सोशल, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन कॉस्ट ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट will involve social cost as well, okay? National perspective plan for interlinking of rivers. The National River Linking Project (NRLP), formerly known as the National Perspective Plan, envisages the transfer of water from water surplus basin where there is flooding to water deficit basins where there is drought. Scarcity through interbasin water projects, transfer projects, ठीक है, जहां पे मतलब ज्यादा पानी है और तो वहां से पानी लेकर के जहां पे वाटर डिफिशियंसी है वहां सप्लाई करना, ठीक है। अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान द नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA हैज आइडेंटिफाइड 30 लिंक्स, 16 अंडर द पेनिनसुलर कॉम्पोनेंट एंड 14 अंडर द हिमालयन कॉम्पोनेंट for the preparation of feasibility reports. The NPP, National Perspective Plan for transferring water from water surplus basin to water deficit basins was prepared in August 1980. ठीक है, ये important है। अब तक कितने interlinking river है, तो 13 जो है इस तरह के links हो चुके हैं, और ये plan कब prepare किया गया था, August 1980 में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।